नमस्कार, केएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं तीर्थर रोड के कुमार छात्रालय में, जहां आज बल्सर शहर के भिक्षुक और गरीब मजदूर को आज यहां आश्रय दिया गया है और उसको खाने पीने के साथ यहां योगा का ज्ञान भी हमारे महिला पतंजलि के द्वारा दी जा रहा है। तो आज हमारे साथ है प्रीतिबेन पांडे। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ये लोग यहाँ कितने दिनों से हैं? ये 22 तारीख से यहाँ पर हैं और इन लोगों को खाना पीना तो सभी दे रहे हैं, वो चल ही रहा है, भोजन पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है। पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये लोग अपने मुख्य प्रवाह में आ जाए, मुख्य धारा में आए, इसके लिए हम लोग इनको बिजी रखते हैं, किसी ना किसी काम में लगाए रखते हैं, रचनात्मक कार्य में। तो सुबह 1.5 घंटे का योगा सेशन ले रहे हैं, योग प्राणायाम स्वच्छता सब कुछ इनको सिखा रहे हैं। उसके बाद ये लोग अभी नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे, चाय नाश्ता करने के बाद, चाय तो एक बार हो गई है, नाश्ता करेंगे। उसके बाद इन लोगों के पास ही हम लोग थोड़ा श्रमदान भी लेते हैं, जैसे अपनी जगह साफ रखो, दीवालों में कलर काम करो, कुछ ना कुछ रचनात्मक। फिर इन लोगों का दोपहर में खाना होगा, 11 बजे आयुर्वेदिक उकाड़ा पिलाते हैं जिससे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। यहाँ जो उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था है वो कौन कौन से संस्था द्वारा किया जा रहा है? यहाँ प्रशासन के माध्यम से साथ में 21 NGOs काम कर रही हैं। मतलब कोई कभी खाना ला रहा, कोई नाश्ता ला रहा, कोई दही दूध ला रहा, कोई दवाइयाँ ला रहा। सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं तो उनका चेकअप भी करते हैं। और परसों के दिन ही जो बहनें हैं उनके लिए हमने गायनेकोलॉजिस्ट की व्यवस्था की थी, शैलजावेन मस्कर, तो उन्होंने आके इन लोगों का चेकअप कर लिया है कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनको हर चीज़ दी जा रही है जो इनकी ज़रूरियात है, बहनों के हों, अंडरगारमेंट्स हों, कि जो इनकी सैनिटरी पैड है उसकी भी इनको जानकारी दी गई और उनको प्रदान भी किया गया। सब कुछ इनको दिया जा रहा है, इनके लिए चप्पलें हों, अंडरगारमेंट्स हों या कपड़े हों, सब NGOs के माध्यम से ही चल रहा है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ कितने लोग हैं और उनको यहाँ कितने दिन तक रखेंगे? ये 170 लोग हैं। अभी लॉकडाउन आपको पता ही है 3 मई तक बढ़ गया है, तो जब तक बस ट्रेन नहीं चलेंगी तब तक तो इन लोगों को रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि काम चालू हो जाए तो थोड़ा थोड़ा इनको काम भी मिल जाएगा, परंतु बाहर तो, जिले के बाहर तो 3 मई तक संभव ही नहीं है। जब लॉकडाउन खुलेगा ट्रेन, क्योंकि यहाँ यूपी बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर हर जगह के लोग हैं, तो ट्रेन और बसेस नहीं चालू होंगी तब तक तो इनको रखना पड़ेगा। परंतु जैसा अपनी जानकारी में है कि कुछ उद्योग धंधे चालू हो जाएंगे 20 तारीख से, जहाँ एक भी केस पॉजिटिव नहीं होगा वहाँ पर, तो फिर इन लोगों को काम मिल जाएगा, काम करते रहेंगे, परंतु रहना तो जिले के अंदर ही पड़ेगा। का नाम? मोहम्मद निसार अंसारी। और आप कहाँ से हो? हम बिहार से हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ आप कहाँ काम करते थे? हम मुंबई भावचादक्का समुंदर के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, हम कहाँ जाने वाले थे, कुछ परेशानी के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, मतलब मेरे लिए है, सभी के लिए इस हिसाब से, इस वातावरण के हिसाब से रुकना पड़ा। आप यहाँ कैसे फंसे? हम जा रहे थे, एक जगह ट्रेन बंद हो जाने के कारण से मुझे स्टेशन के ऊपर रहना पड़ा। मैंने 4 दिन में गुजारा, सभी ने भाई लोगों ने, उसके बाद जो है नगर पालिका का सब आया, पर क्या है, क्या किस हिसाब से क्या परेशानी है। हमारे जैसे 50 आदमी थे, सबको यहाँ ला के दिया कुमार साहब। आपको यहाँ सुविधा अच्छी मिल रही है? सभी को, हमारे को नहीं, सभी जो है हमारे साथ, टोटल 170 लेडीज एंड जेंट्स, सब भाई एंड बहन, सबको अच्छा तरीके से है, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं। હવે ડાબો પગવાડેલો છે, જમણા હાથ પકડીશો અને જમણો હાથ આપણો પાછળ કમરમાં રહેશે, આ હાથ આપણો કમર ઉપર રહેશે, શ્વાસ ભરતા ભરતા ઉપર જઈએ, लुंगी लाए हैं, देते हैं, नहीं पहनेगा? ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये आयुर्वेदिक डाई, इससे पियो, तुमको तकलीफ है ना तो ठीक हो जाएगी।
तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे केएम न्यूज टीवी चैनल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश टॉबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़ से।